दोस्तों प्ले अगेंस्ट डी फोर, दिस इज अ सिक्स्थ वीडियो। डी फोर के सामने कैसे खेला जाए, ये मेरा सिक्स्थ पार्ट है। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, क्वींस गैम्बिट के सामने तो मैंने सारे वेरिएशन बता दिए आपको। आज हम देखेंगे हाउ टू प्ले अगेंस्ट डी फोर, जिसमें क्वींस गैम्बिट के अलावा वाइट क्या क्या और मूव्स कर सकते हैं। तो बाकी जो है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कौन सी लाइंस होती है। ऑक्शन अटैक सबसे पहले देखेंगे, वर्सो, उसके बाद वर्सो ओपनिंग, उसके बाद लंदन सिस्टम स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद किंग्स फियान चट्टो, देन टॉर अटैक, उसके बाद कोले सिस्टम, ब्लैक मार डायमर गैम्बिट। इतने लाइंस मैं आपको बता दूंगा ताकि डी फोर के सामने आपकी पूरी ओपनिंग कंप्लीट हो जाए। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं प्ले अगेंस्ट डी फोर। डी फोर डी फाइव, तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉक्सन अटैक, जो बहुत ही रेयर केस में खेला जाता है, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी होनी जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन अटैक क्या होता है, बिशप जी फाइव, पहले से ही वाइट पहले से आपको जो ई सेवन वाला पॉन है उसे पिन करता है और नाइट एफ सिक्स करने से आपको रोकता है। यहां पे आपको पहले खेलना है एच सिक्स। अब बेस रिप्लाई होता है ऑप्शन अटैक में बिशप एच फोर। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे सी सिक्स करो, क्योंकि क्वीन को हमें मूव आउट करना है। अब यहां से दो मेन चॉइस है वाइट की, एक तो है ई थ्री और दूसरा है नाइट एफ थ्री। तो पहले हम देखेंगे नाइट एफ थ्री। नाइट एफ थ्री में आपको करना है क्यू बी सिक्स, डायरेक्ट बी सेवन पे अटैक। बेस रिप्लाई होता है यहां व्हाइट का बी थ्री, उसके बाद आपको खेलना है ए फाइव। ए थ्री व्हाइट खेलेगा, क्योंकि नेक्स्ट हम अगर ए फोर कर देते हैं तो और ब्लैक की पोजीशन स्ट्रांग होती है। ए थ्री के बाद यहां आपको खेलना है बिशप एफ फाइव, व्हाइट यहां खेलेगा ई थ्री, नाइट डी सेवन, व्हाइट खेलेगा सी फोर, यहां आपको रिप्लाई देना है ई सिक्स, सी फाइव, यहां आपको खेलना है क्वीन ए सेवन, नाइट सी थ्री, यहां आपको ब्रेक लेना है बी सिक्स से, सी इंटू बी सिक्स, क्वीन टेक्स बी सिक्स, व्हाइट खेलेगा नाइट ए फोर, उसके बाद क्वीन बी सेवन, व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप डी थ्री और यहां सेक्रीफाइस ऑफ बिशप को टेक। अगर सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करता है तो क्वीन टेक्स ए थ्री, क्वीन बी फोर आपको तुरंत ही एक्सचेंज मिल जाएगी। ओके, यहां पे फोर्थ ई थ्री के बारे में देख लेते हैं। फोर्थ ई थ्री, नाइट एफ थ्री के बदले फोर्थ होम में ई थ्री। फोर्थ ई थ्री में आपको रिप्लाई सेम ही देना है क्वीन बी सिक्स, यहां पे व्हाइट रिप्लाई देगा बी थ्री, यहां आपको खेलना है ई फाइव। पॉन टेक्स पॉन, ये ब्लंडर होगा व्हाइट का, आप वीडियो पोस्ट करके मुंह ढूंढ सकते हो। क्यू बी फोर चेक, देन यू विल विन अ बिशप। तो यहां पे व्हाइट रिप्लाई देगा नाइट एफ थ्री, यहां आपको खेलना है बिशप टू जी फोर, व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप ए टू। अभी भी व्हाइट पॉन एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर पॉन टेक्स पॉन बिशप टेक्स नाइट, देन क्वीन बी फोर चेक और आपको वही पोजीशन में बिशप मिल जाएगा। तो यहां भी व्हाइट बिशप ए टू करेगा, यहां आपको खेलना है ई फोर। व्हाइट की बेस चाल होगी नाइट ई फाइव, सेंट्रलाइज द पीस।
बिशप टेक्स ई टू, यहाँ पे कर देना है आफ्टर क्वीन टेक्स ई टू, नाइट एफ सिक्स। दोस्तों इस पोजीशन में एक मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ कि बिशप डी सिक्स मत खेलिए यहाँ पे, ये गलती अगर आपने कर दी तो लॉस हो जाएगा, इमीडिएट लॉस है। इतनी पोजीशन के बाद अगर आपने बिशप डी सिक्स कर दिया तो तुरंत ही लॉस है। आफ्टर क्वीन जी फोर डबल थ्रेट है, यहाँ पे चेकमेट की भी थ्रेट है और जी सेवन पे पॉन पे भी थ्रेट है, तो यहाँ पे वाइट तुरंत ही विन होता है। इसीलिए बी डी सिक्स अच्छा नहीं है, यहाँ पे आपको खेलना है नाइट एफ सिक्स, ये इक्वलाइज गेम है। तो ये थी हॉक्सन अटैक। चलिए अब देखते हैं वर्सो ओपनिंग। वर्सो ओपनिंग में क्या होता है, ओपनिंग डी फोर डी फाइव नाइट सी थ्री, सेकंड मूव में व्हाइट नाइट सी थ्री खेलता है, ब्लैक से हम रिप्लाई देते हैं नाइट एफ सिक्स, बिशप जी फाइव और एनबीडी सेवन, ये होती है वर्सो ओपनिंग। अब देखो यहां से मैं आपको तीन चॉइस बताऊंगा व्हाइट की ओर से, तीनों चॉइस की तीन इलेवन या ट्वेल्व मूव आपको बता देता हूं। व्हाइट खेलेगा ई थ्री फर्स्ट मूव, ये मूव नंबर फोर्थ है ई थ्री, या तो फोर्थ मूव में एफ थ्री करके सेंटर कंट्रोल के लिए खेलेगा या फिर नाइट एफ थ्री सिंपल डेवलपमेंट, ये तीन चॉइस है व्हाइट के पास। तो फर्स्ट चॉइस देखेंगे ई थ्री, ई थ्री में यहां आपको रिप्लाई देना है ई सिक्स, व्हाइट रिप्लाई देता है बिशप डी थ्री, यहां आपको खेलना है सी फाइव नाइट एफ थ्री, और यहां आपको करना है सी फोर बिशप को पैसिव करता हूं। बिशप ई टू व्हाइट खेलेगा और यहां पे आपको खेलना है बिशप बी फोर, व्हाइट रिप्लाई देगा शॉर्ट कैसल, क्योंकि नेक्स्ट मूव में हम क्वीन ए फाइव करके नाइट ए फोर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। यहां आपको बिशप टेक्स नाइट ले लेना है ताकि पॉन स्ट्रक्चर यहां पे स्टार्टिंग से ही खराब हो जाए, बी टेक्स सी थ्री, उसके बाद आपको क्वीन ए फाइव और पॉन पे थ्रेट देके ये पिन को अनपिन कर देना है। क्वीन ए फाइव के रिप्लाई में ब्लैक व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप इन टू एफ सिक्स, आपको नाइट टेक्स एफ सिक्स करना है, उसके बाद क्वीन ई वन, क्योंकि क्वीन डी टू रॉन्ग है नाइट ई फोर तुरंत आता है, और यहां भी आप नाइट ई फोर करके गेम विन कर सकते हो, ये सिंपल पॉन अप हो जाते हैं। चलिए एफ थ्री वाले वेरिएशन में क्या करना है आपको, ई थ्री के बजाय अगर व्हाइट एफ थ्री करता है सेंटर के लिए तब भी आपको करना है सी सिक्स, उसके बाद व्हाइट ई फोर करेगा, यहां पे आपको डी टेक्स ई फोर एक्सचेंज कर लेना है, एफ क्रॉस ई फोर, उसके बाद आपको ई फाइव सेंटर ब्रेक करना है। अब व्हाइट रिप्लाई देगा डी इन टू ई फाइव और यहां आपको करना है क्वीन ए फाइव। अब दोस्तों यहां पे देखो व्हाइट हैज टू चॉइस, एक तो पॉन टेक्स नाइट, दूसरी चॉइस है बिशप टेक्स नाइट। ई क्रॉस एफ सिक्स में क्या होता है, यहां पे आपको क्वीन टेक्स जी फाइव पीस वापस मिलता है, आफ्टर एफ क्रॉस जी सेवन बिशप टेक्स जी सेवन, व्हाइट खेलेगा क्वीन डी टू, यहां पे आप क्वीन एक्सचेंज कर सकते हो क्वीन टेक्स क्वीन और नाइट सी फाइव, उसके बाद बिशप टेक्स सी थ्री और नाइट ई फोर की थ्रेट है, व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप डी थ्री और यहाँ आपका बेस्ट चॉइस होगा बिशप ई सिक्स, और ये पोजीशन ब्लैक की फेवर में है कम्प्लीटली। चलिए अगर बिशप क्रॉस एफ सिक्स करता है तो पोजीशन क्या होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाइट ने अगर बिशप टेक्स एफ सिक्स कर दिया तो यहाँ आपको जी क्रॉस एफ सिक्स, बाद में व्हाइट खेलता है मोस्टली ई सिक्स क्वीन एच फाइव चेक की थ्रेट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप मार दो कोई बात नहीं है, एफ क्रॉस ई सिक्स बिशप सी फोर, यहां पे आपको खेलना है बिशप सैक्रिफाइस बिशप ए थ्री, व्हाइट एक्सचेंज नहीं करेगा क्योंकि क्वीन टेक्स नाइट के बाद बिशप भी लॉस में है, तो व्हाइट यहां पे सपोर्ट देगा क्वीन सी वन से, एक ही ऑप्शन है, और यहां पे आपको खेलना है क्यूब बी फोर, अनदर अग्रेसिव अटैकिंग मूव,
वाइट को फोर्स रिप्लाई देना पड़ेगा बिशप b3, और यहाँ पे मैं आपको बेस्ट चॉइस दूंगा क्वीन टेक्स c3 चेक। अब देखो क्या होता है, अगर पॉन टेक्स क्वीन देन बिशप टेक्स क्वीन, रुक टेक्स बिशप, और यहाँ पे सिंपल नाइट c5, और ये पॉन को सपोर्ट और बिशप का अटैक। सिक्स पॉन वर्सेस सिक्स पॉन, सेंटर में किंग है, सेंटर में आपके दो पॉन है, टू पॉन वर्सेस एक आइसोलेटेड पॉन, यहाँ पे डबल पॉन, ये भी आइसोलेटेड पॉन, तो ब्लैक का एंड गेम काफी हद से अच्छी है। चलिए सी वेरिएशन में देखते हैं नाइट f3 के बारे में। f6 f3 के बदले नाइट f3, नाइट f3 में अब आपको खेलना है h6। बिशप h4 जाता है, व्हाइट मोस्टली एक्सचेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे e6 कर देना है, उसके बाद व्हाइट रिप्लाई देगा e4 सेंटर ब्रेक के लिए, यहाँ आपको करना है g5। बिशप g3 फोर्स मूव है, और यहाँ आपको नाइट टेक्स e4, आफ्टर नाइट टेक्स e4 डी टेक्स e4 देन नाइट e5, यहाँ पे आपको करना है बिशप g7, व्हाइट रिप्लाई देगा h4, और यहाँ आपको नाइट टेक्स e5, आफ्टर बिशप टेक्स e5, बिशप टेक्स e5, डी टेक्स e5, क्वीन टेक्स d1, रुक टेक्स d1, गेम कंप्लीटली सिंपल हो जाएगी, देन बिशप d7 टू बिशप c6। ये प्लानिंग है, रुक टेक्स क्वीन के बाद आप अर्ली बिशप d7 मत कीजिए, क्योंकि ये पोन आपका हैंगिंग है, यहाँ पे आप आगे बढ़ लो और उसके बाद h5 कर लो और आराम से खेलोगे। तो दोस्तों ये थी वर्सो ओपनिंग, दोनों ओपनिंग के बारे में मैं बता दिया मैंने, क्वींस गैम्बिट के अलावा व्हाइट के पास जो जो चॉइस है उसके बारे में मैं सारे वीडियो आपको बताऊंगा। तो वर्सो ओपनिंग और होक्सन अटैक आज हमने देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लंदन सिस्टम, हाउ टू प्ले अगेंस्ट लंदन सिस्टम, उसकी दूसरी भी टेक्निक है, दो दो टेक्निक है, तो मैं इससे पहले लंदन सिस्टम का वीडियो मैंने बनाया है जो यूनिक था, और उस लाइन में रिस्क की लाइन है, जो रिस्क लेना चाहते हैं वही खेल सकते हैं। हाउ टू प्ले अगेंस्ट लंदन सिस्टम आप मेरे पुराने वीडियो में आप जाके देख सकते हो, सर्च करके d4 d5 देन बिशप f4, यहाँ पे मैंने एक लाइन बताई थी c4 e3 देन पॉन टेक्स पॉन और नाइट c6 c3 देन f6 वाली लाइन, रिस्क की लाइन मैंने बताई है, लेकिन इसमें मैं बहुत सारी गेम जीता हूँ, तो ये भी एक आप ट्राई कर सकते हो। और नेचुरल गेम खेलनी है तो मेरा अगला वीडियो देख लीजिए, जिसमें प्रॉपर लंदन सिस्टम के अगेंस्ट मैंने प्रॉपर लाइन बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों, और हर एक वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि पूरी d4 के सामने गेम खेलने की आपकी जो स्टाइल है वो बदल जाएगी। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।